Hi everyone, welcome to back Sadhguru Rankers. This is Mahi. So today I am going to share with you class 12th chemistry का most important lectures, जिसमें से मैं आज आपको बताऊंगा कि class 12th की यूपी बोर्ड 2024 एंड 2025 की जो हमारे पास examinations, I mean जो हमारी syllabus है उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी chemistry जो है सभी subject, I mean सभी board के लिए important है, क्योंकि syllabus change नहीं होता है भाई, syllabus same होता है but paper pattern थोड़ा अलग होता है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की जो हमारे पास केमिस्ट्री जितने चैप्टर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और साथ साथ बात कर लेंगे बुक्स के बारे में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आई मीन चैप्टर्स हैं, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज और बात करेंगे, जैसे हमारे पास बुक्स की भी बात करेंगे कि विच बुक्स यू वांट, आपको कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बात करूंगा कि हाईएस्ट मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर्स, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद हमारा हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर्स, हाईएस्ट चैप्टर्स, ठीक है, आई मीन हाईएस्ट चैप्टर्स जो हो गए हमारे, हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर जो रैंक सबसे ज्यादा जिससे पूछा जाता है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम कैसे करें कि चीजें बहुत आसान से हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं और आपको ये सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि जैसे हमारी क्लास 12th में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, आपको 15 चैप्टर के बारे में समझना है। देखिए, जब हमारे पास क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो होता है, हर एक राज्य का कुछ चैप्टर क्या होता है, कभी कभी हटा देता है। लेकिन अगर आप IIT JEE NEET की प्रिपरेशन करेंगे, देन दिस चैप्टर इज मस्ट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ठीक है, ये सभी के लिए मस्ट कंपल्सरी है। तो आपको मैं बोलूंगा कोई चैप्टर को स्किप नहीं करना है, आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं और हमारा यहां देखते हैं, सबसे पहला क्लास 12 की पहले चैप्टर्स ठोस अवस्था है, ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर से हमारी बिलियन, तीसरे चैप्टर से विद्युत रसायन, चौथे चैप्टर से रासायनिक बल गति, एंड अगेन है हमारा पृष्ठ रसायन, उसके बाद छठवां है तत्वों के निष्कर्ष, उसके बाद सिद्धांतों पर आक्रमण, ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, उपचार संयोजी यौगिक, उसके बाद हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन, उसके बाद एल्कोहल एंड फिलानियम ईथर, अगेन हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, यूम कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगेन हमारे पास नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसी को एमीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में जैवाणु, उसके बाद बहुलक, उसके बाद हमारे पास आता है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। ये रही क्लास 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब मैं बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो सबसे ज्यादा हमारा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, मोस्ट चैप्टर्स जो होती है, मोस्ट चैप्टर्स मार्क्स वाले जो हमारे पास चैप्टर्स होता है, सबसे नंबर में हमारे पास आता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे पास हेलोलोकेन से लेकर के हमारे हम बात कर लेते हैं एमीन तक की, इट्स मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिससे पांच नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पांच नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें नेम रिएक्शन आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, नेम रिएक्शन हो गया, उसके बाद उसकी आईपीएससी नामकरण हो गया, ठीक है, ये सारी हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन जो पूछता है, कौन सा पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, तो न्यूमेरिकल जो पूछता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछेगा हमारा न्यूमेरिकल, जो सबसे ज्यादा हमारा ठोस अवस्था से लेकर के हो गया, ठोस अवस्था से हमारा हो गया कहां तक, हमारी ठोस अवस्था से हो गया रासायनिक बल गति, ठीक है, यहां तक आपको पढ़ लेना है, ये पूरी न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये रही पूरी आपकी चैप्टर्स और जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, और यहाँ पे आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपका पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत का प्राकरण, पी ब्लॉक तत्व और रूप सहसंयोजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि हर एक चैप्टर से आठ नंबर के क्वेश्चन, छह नंबर के क्वेश्चन, सात नंबर के क्वेश्चन कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, थीके? तो ये रही आपकी पूरी चैप्टर्स, और चैप्टर्स के साथ साथ हम सीखेंगे कि वर्ष 2024 में आप 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट आपको मैं बोलूंगा, फर्स्ट आपको ये करना सदगुरु चैनल से जुड़कर रहना है, क्योंकि सदगुरु चैनल आपके लिए हिस्टोरी क्रिएट करने वाला है, आने वाले समय में सदगुरु रैंकर्स आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, आई मीन मैं आपको सब कुछ नीट IIT लेवल में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहां तक कि आने वाले समय में जिस जब हमारी फैमिली क्या होगी, एक अच्छे पोजिशन पे होगी, उस समय मैं आप लोगों को एक अच्छे पोजिशन पे मतलब वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि हर मैक्सिमम स्टूडेंट जो पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ये समस्या ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।